जीवन को आनंद पूर्ण जीने के लिए, जीवन को आनंद पूर्ण जीने के लिए, या मैं कहूं कि इस जीवन में आनंद का अनुभव करने के लिए जीवन को समझना पड़ेगा। किसी भी काम को समझ पूर्वक करते हैं वो काम अच्छा होता है, बिना समझे करेंगे काम अच्छा नहीं होगा, बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए जीवन में भी आनंद चाहिए तो समझ पूर्वक समझ चाहिए, जीवन के बारे में समझ चाहिए। तो जीवन को समझने का क्या अर्थ है, कैसे समझे, जीवन काम कैसे करता है, जीवन का नियम क्या है, इसके पहले समझें ये पूरी दुनिया काम कैसे करती है। ये पूरी सृष्टि, सृष्टि जो चल रही है वो कैसे चलती है। अब पहले पूछते या बुजुर्गों से पूछते तो कह सकते हैं वो भगवान चलाता है, आज तो ये बात नहीं चलेगी ना, बड़ा सरल है। ऐसा है ना, हम लोग केवल पुरानी बातों को सुनते चले आते हैं, अतिरिक्त मेहनत करना ही नहीं चाहते। सच बताऊं तो दोनों प्रकार के लोग, एक वे जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, और दूसरा वे भी जो ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। आप जानते हैं जो अपने को आस्तिक कहते हैं या अपने को नास्तिक कहते हैं। सच बताऊं ना, जो अपने को आस्तिक कह रहे हैं ना, उन्होंने खोजबीन नहीं की है। जो कहते हैं ना ईश्वर है, उनसे पूछो खोजबीन किए हो, पता किए हो कि यही कह रहे हो, नहीं कहते आए हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो प्राय लोग कहते नहीं कि ईश्वर नहीं है, तो उनसे पूछो आपने पता किया है, नहीं हम सुनते आए हैं, मेहनत ही नहीं करते हैं। सच बताऊं तो, या फिर क्या कहेंगे, मैं तो आत्मा हूं, पता किए हो आत्मा, अभी तो शरीर का अनुभव हो रहा है, आत्मा आत्मा कहने से होगा काम। आप जब तक इस संबंध में अनुसंधान नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, और ये सोचेंगे मैं केवल दैनिक जीवन का जीवन जीऊंगा, मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, बाल बच्चे पैदा करूंगा, बस उनकी व्यवस्था कर दूंगा और क्या मानूंगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। प्राय कहते हैं ना, बच्चों की शादी हो गई, भैया मैंने अपनी जिम्मेदारी निपटा दी, जिम्मेदारी निपटा दी है, बच्चों की शादी करने की ही जिम्मेदारी मिली थी आपको जीवन में, और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। क्या आपने अपने जीवन को समझा, जीवन का वह लाभ मिला जिसके लिए जीवन मिला था, नहीं। जीवन में इतना कुछ पा सकते हैं, इतना अच्छा पाने की भी बात तो एक तरफ है, मैं ये कहना चाहूं पूरी प्रकृति, और पूरी प्रकृति का मतलब है पूरी सत्ता, ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड आपको इतना देना चाहता है, इतना देने के लिए वो उत्सुक है, लेकिन हम सब क्या करते हैं, लेना ही नहीं चाहते हैं। सच बात तो ये है। अच्छा लेना भी कितना चाहते हैं, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। यहाँ से क्या लेना चाहते हैं, बस भोजन की व्यवस्था हो जाए, कपड़े की व्यवस्था हो जाए, रहने की जगह की व्यवस्था हो जाए, अच्छा वो जो टिप टाप हो ये बात ठीक है, हो जाए, मतलब केवल उतना ही जिससे जीवन गुजर हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ वो देने के लिए तैयार है, बहुत कुछ, लेकिन उसे पाने के लिए बस आपको उस योग्य होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। एक कहानी याद आई, एक अरबपति महिला थी, उसके मन में हुआ कि मेरे घर में वो चित्र की बड़ी शौकीन थी,
कि मेरे घर में मेरा ही चित्र बन के लगे, मेरा ही एक सुंदर चित्र बन करके लगाना है। तो सर्च करती है कि कौन है बढ़िया चित्रकार। पता करते करते उनको पता चला कि एक चित्रकार है। तो वो चित्रकार बहुत बड़ा कलाकार था, लेकिन गरीब था, क्योंकि कला को पैसा उतना कहाँ मिलता है। तो वो उसके पास पहुंचती और कहती है कि आप मेरा एक चित्र बना दें, और आप जब मेरा चित्र बना देंगे मन पसंद का, तो आपको मुँहमांगा धन देने वाली हूँ मैं, मुँहमांगा धन। चित्रकार ने भी सोचा कि ठीक है, मैं मेहनत तो करूँ और मुझे भी कुछ धन मिल जाए तो अच्छा ही है, वैसे भी मैं गरीब हूँ। और सचमुच उन्होंने समर्पित होकर चित्र बनाए, समर्पित होकर के, और पूरा जब उनका पोर्ट्रेट तैयार हो गया तो सूचना भेजता है कि आपका चित्र तैयार है, आप आए और ले जाए। वो आई, जब चित्र को देखती है तो अवाक रह गई, बहुत खुश होती है। उसने कहा, कमाल कर दिए आप तो, मैं जितना सोचा भी नहीं था उससे कहीं बेहतर आप बना दिए हैं। बहुत खुश होती है। और फिर उन्होंने कहा, अब बताओ आपको मैं क्या दूं, आपको मैं क्या दूं। अब वो चित्रकार ने सोचा, ये विदेश से भी लौटी है, मुझे तो डॉलर में देने वाली है, रुपये में देनी है, डॉलर में। और जानते ना एक डॉलर की कीमत कितनी है हमारे भारत में आजकल, तो मैंने सुना है 80 रुपये, उनका एक रुपया तो हमारा 80 रुपया, इतना अंतर है। तो डॉलर में भी देने वाली है तो क्या करूं, कितना मांगूं, 100 डॉलर मांग लूं। अब अंदर अंदर चल रही चर्चा, जद्दोजहद शुरू हुआ, तो 200 डॉलर मांग लूं, 500 डॉलर मांग लूं। ऐसा सोच ही रहा था अंदर से आवाज, अरे यार कहीं ज्यादा मांग लूं कहीं नाराज ना हो जाए, क्या करूं। फिर सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मांगू कम और हो सकता है ज्यादा देने को तैयार हो, क्या करूं। ऐसा करते करते उसके मन में हुआ कि एक बात आई, अच्छा छोड़ो। उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, ऐसा है आप अपने तरफ से जो दे दे, आप अपनी तरफ से जो दे दे। वो तो खुश थी, तो एक पर्स लाई थी, वो पर्स को उनको दे देती है कि ये पर्स रख लो, ये पर्स रख लो, बहुत कीमती पर्स है ये। उसने सोचा, यार पर्स तो कीमती है, लेकिन मैं क्या करूं पर्स को, पर्स से मुझे क्या लेने दे, क्या फायदा होने वाला है इससे। और वो पर्स दे करके चित्र लेकर के जाने लगी। उसके मन में हुआ, क्या करूं इस पर्स को मैं, आखिर में ऐसा मैं तो ठगा गया, इससे अच्छा मैं 100 डॉलर मांग लेता तो भी अच्छा था। इतने में वो कुछ दूर जाती, इतने में चिल्लाती, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा है ना, ये आप अपना पर्स रख लीजिए, ये अपना पर्स रख लीजिए, आप एक काम करिए मुझे 100 डॉलर दे दीजिए। और पर्स लौटाते लौटा दिया उसने, कहा अच्छा ठीक है जैसी मर्जी। पर्स ले लेती है, उस पर्स को खोलती है और उसी में से 100 डॉलर उसको दे देती है। पता है 1,00,000 डॉलर रखी थी उसमें, 1,00,000 डॉलर उसमें थी कि पूरे वो देना चाहती थी। कितने में संतुष्ट हो गया, कितने में हुआ, 100 डॉलर में, सही है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने में संतुष्ट हो रहे हैं, भोजन मिल गया, कपड़े मिल गए, बाल बच्चे पैदा हो गए, बस काम पूरा हो गया। प्रकृति और देना चाहती है, क्या आप लेना चाहते हैं, और देना चाहती है, इतना देना चाहती है जो उसने बुद्ध को दिया है, जो उसने महावीर को दिया है, जो कबीर को दिया है, वो सब भी आपके सामने निछावर कर देना चाहती है। लेकिन तब है हम सभी बहुत थोड़े में अपने आप को पूर्णता मान लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जीवन को थोड़ा समझने जैसा है, और इसी के बारे में बोलना बता रहा था कि ये दुनिया चलती कैसे है, कार्य कैसे करती है। दुनिया चलती है नियम से, हमेशा ध्यान रखिए इस चीज को। इसीलिए गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, कभी गुरुदेव जी के प्रवचन आप लोगों का भाग्य जगे, कभी सुनने का अवसर मिले, सुना करिए, सुना करिए, और अपना सोया भाग्य जगाइए, तो उसमें आप सुनेंगे कभी
नियम ही ईश्वर है, नियम ही ईश्वर है। उनकी एक छोटी पुस्तिका भी है, ईश्वर कौन, कबीर दर्शन का संदर्भ है, आप कभी उसे पढ़ें। ईश्वर कौन, नियम ही ईश्वर है। जैसे एक पत्थर उठाएं ऊपर फेंके, वो नीचे आ जाता है, क्यों आ जाता है, भगवान ढकेलता है। अब तो सभी बच्चे समझते हैं ना, न्यूटन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक एक बार बाग में लेटा हुआ था, एक सेब गिरा उन्हीं के ऊपर गिरा, वो तो हड़बड़ा गया, अरे ये सेब नीचे गिरा क्यों, ऊपर क्यों नहीं चला गया, बाएं दाएं क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों गिरा, खोज शुरू कर दी उसने। और क्या पता लगाया, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन ऑफ ला, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये न्यूटन के पहले भी था, पहले भी ऊपर से सामान नीचे आता था, खींचते, इसमें खींचने की क्षमता है, आकर्षण शक्ति, नीचे पृथ्वी में इतनी चुंबकीय शक्ति है कि वस्तुओं को नीचे खींच लेती है। कैसे है, नियम है। पानी को कहीं भी आप डालें वो नीचे की ओर बहेगा, क्यों बहेगा, अरे भाई बहेगा, नियम है उसका, ये नियम है। आग को जलाएंगे तो ऊपर की ओर जाएगी, ये नियम है। पानी को कहीं भी छुएंगे शीतल होगा, आग को कभी भी छुएंगे तो गर्म होगा, कैसे है, नियम है, ये नियम है। तो इसी सृष्टि से ये पूरी सृष्टि, अब जैसे दिन और रात कैसे होते हैं, दिन और रात, अब कितना छोटा बच्चा भी बता सकता है दिन और रात कैसे होते हैं। पृथ्वी की दो गतियां, एक दैनिक एक वार्षिक। दैनिक गति, पृथ्वी स्वयं में अपने आप घूम जाती है, दिन और रात होते हैं। और एक पूरे 365 दिन में साल में सूर्य का चक्कर लगाती है, 365 दिन में सूर्य का पूरा इस प्रकार से चक्कर लगाती है। और इसी 365 दिन में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जैसे भी बरसात का मौसम है, बरसात खत्म होगी, ठंडी का मौसम आएगा, ठंडी खत्म होगी, गर्मी का मौसम आएगा, बस यही से। और ये कब से हो रहा है, कब से हो रहा है पूछना है, सदा से हो रहा है, सीधी सी बात है, सदा से हो रहा है। कब से दिन रात हो रहे हैं ये पूछना ही नहीं, दिन रात हो रहे हैं बस, ये शाश्वत नियम है, ये कभी परिवर्तन नहीं होता है इन सब नियमों का। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी बातें बता करके, इन्हीं सृष्टि के कुछ तत्वों को लेकर के जीवन खड़ा हो गया है। इसी में से थोड़ा मिट्टी, इसी में से थोड़ा पानी, इसी में से थोड़ी आग, इसमें से थोड़ी सी हवा, और ये शरीर खड़ा हो गया। पंच महाभूत सुने हैं ना, कहते हैं ना, कबीर साहब की पंक्ति है कि पांच तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच तत्वों से जीवन खड़ा है। तो जो सृष्टि में है वो व्यष्टि में है, जो विस्तार में है वो इकाई में भी है, वो नियम वही है। एक बूंद पानी का जो नियम है वो समुद्र के पानी का भी नियम है, ये ध्यान दीजिए। पानी जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, ये दोनों मिलेंगे हमेशा तो क्या होगा, H2O, जिसको पानी कहते हैं। ये सूत्र न जानो, सूत्र जानना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पानी होगा, ये सच है, पानी होगा। कहाँ होगा, पूरी पृथ्वी कहीं भी कर लो, दिन में कि रात में, सब समय समुद्र को कहीं से भी आप मुंह में डालो, समुद्र के पानी को कहीं से भी, कैसा लगेगा, खारा ही लगेगा ना। चाहे पूरब में जाकर के, पश्चिम में जाकर के, उत्तर में जाकर, कहीं भी समुद्र के पानी को हाथ से उठाओ और मुंह में डालो। ऐसा नहीं है कि पूरब में चले गए, नहीं जी वहां तो मीठा समुद्र है, हो ही नहीं सकता है। समुद्र का पानी का मतलब है खारा पानी, ये नियम है। ऐसे ही ये जीवन का नियम है, बस इसको समझ लेना है। जीवन भी एक नियम के तहत कार्य करता है, नियम के तहत। वो नियम को समझना है, वो नियम क्या है, आपके मानसिक नियम।
एक तो बाहर का हुआ, एक तो इसे परिवार का नियम, समाज का नियम, अपने संविधान, देश का नियम। जैसे देश में अपना नियम क्या है, सड़क पर जब चलो बाएं चलो। किसने बनाया? मनुष्यों ने बनाया, सीधी सी बात है। आप कहीं दूसरे देश में जाएंगे, अमेरिका इत्यादि में, दाहिने चलो, वहाँ की स्टेयरिंग व्हील क्या होगी, हम लोग क्या क्या होती, बाएं, वहाँ होती दाएं। कभी कभी देखे होंगे वीडियो इत्यादि भी आप, या कभी कोई विदेश गए होंगे तो भी देखे होंगे। मैं तो गया हूँ, जैसे काठमांडू भी देखा, ऐसी गाड़ियाँ होती है। मॉरीशस गया, वहाँ भी देखा था इस प्रकार की गाड़ियाँ जो दाहिने तरफ स्टेयरिंग व्हील होती है, क्योंकि बाएं दाहिने चलने का नियम कौन बनाया? मनुष्य बनाया है। बस अपने ही घर में आप नियम बनाते हैं कि देखो जब घर में आओ जूता चप्पल वहाँ छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप जूता चप्पल पहने पहने सीधे किचन तक चले गए, बेडरूम तक चले गए, नहीं, बाहर से आओ वहाँ उतारो। भोजन का नियम, भोजन का समय ये है, नाश्ता का समय ये है, रात में भोजन का समय ये है। कहीं भी रहो, घर में 9 बजे के पहले पहले वापस आ जाओ। 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना, ये घर का नियम। उस नियम का फॉलो करो। इस नियम का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा? घर की अव्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी। भोजन है मान लो दिन में 10 बजे का और आप आ रहे हैं 11 बजे, अब कितनी कठिनाई होगी। रात का भोजन का टाइम है 7-8 बजे है और आप आ रहे हैं 10 बजे, कितनी अव्यवस्था होगी। सोच रहे हैं, जब जब आप नियम का उल्लंघन करते हैं, एक ढांचा को आप तितर बितर करते हैं, एक आंदोलन करते हैं, एक आप कहना चाहिए आप एक ऐसा व्यतिक्रम फैलाते हैं, और आपके द्वारा जो व्यतिक्रम होता है उससे प्रभावित होते हैं। ऐसे सामाजिक नियम, समाज के भी अपने नियम है, आप सभी जानते हैं, और इसी प्रकार राष्ट्र के नियम है, और यही इसी प्रकार से जीवन के नियम। मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियमों का तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो कुदरत का नियम है वो अपरिवर्तनीय है, वो बदला नहीं जा सकता है, वो शाश्वत है, वो बदले नहीं जा सकते, वो परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे ही मैंने कहा ना, जीवन का नियम, जीवन का नियम क्या है? आप यदि प्रसन्न हैं, इसको मैं बड़ी सरलता से बताता हूँ, सरल ढंग से आप समझें इस चीज को। जब जब आपके मन में प्रसन्नता का भाव है, आप खुश रहते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, सबके प्रति अच्छा भाव लगता है, स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, इसका मतलब है आप मानसिक नियमों के अनुकूल चल रहे हैं। इंडिकेट करता है आपका जीवन ही, आपको इंडिकेट करता है, संकेत करता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, ज्यादातर तो 4-व्हीलर चलाते हैं या 2-व्हीलर चलाते हैं, सामने से मीटर लगे रहते हैं ना गोल गोल, वो क्या बताता है आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, वो बताएगा वहां पर। अच्छा, आपकी गाड़ी में फ्यूल ईंधन कितना है वो बताएगा, सही है। तापमान कितना है वो बताएगा, और कहीं फ्लाइट में चलना होगा तो जब विदेश कभी जाना होगा तो आप लोग का अनुभव होगा, वो ये भी बताता है कि आपके आजू बाजू में किस देश से आप गुजरते हुए जा रहे हैं, इधर के कौन सा देश है, इधर कौन सा देश है, बाहर का तापमान कितना है, भीतर का तापमान कितना है, कितनी ऊंचाई पर है, ये सब क्या है, इंडिकेट करता है। और वहां तो और सीट के सामने भी एक स्क्रीन लगा रहता है, जब आप बैठेंगे तो सामने एक स्क्रीन लगा रहेगा, वहां पर वो सब बताते रहता है आप कितनी ऊंचाई पर हैं, तापमान कितना है, आसपास के बाजू वाले देश कौन कौन से देश से आप गुजर रहे हैं, ये आकाश में रहते हैं बताते हैं, वो उसका सिस्टम बना हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन भी आपको संकेत भेजता है, उसे समझना है, उसे समझना है। जैसे पेट में दर्द हुआ, ये संकेत है। अब इस संकेत के माध्यम से क्या समझना है, क्या खोजबीन करनी है, मैंने कौन सा भोजन किया, सही है ना? अच्छा, अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना दर्द। अब पेट में दर्द हुआ तो घर वाली को गाली देने लगो, उसके लिए नाराज होने के लिए पता नहीं क्या क्या भोजन बना दिए। अच्छा, भोजन गले के नीचे किसने उतारा, गले के नीचे किसने उतारा, सही है ना? अच्छा, मान लो कभी भूल हो भी गई, अगली बार सावधान हो जाओ, नहीं हो जाते हैं। हम लोग की दशा क्या है बताऊं, हम लोग भूल करते हैं और पछताते हैं और फिर भूल करते हैं। कभी कभी मैं ये बात कहता हूं, भजन क्या है,
कभी कभी आप सुने भी होंगे और कई बार कहता हूँ इस प्रसंग को मैं, भजन क्या है। भजन की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या से यदि अपने आप को अलग रख के समझ सके सरलता से तो क्या है, बड़ी सरल भाषा में कहूँ, गलतियों को न दोहराना। बस कितना छोटा है, गलतियों को न दोहराना। आपको पता चला यह गलती हो गई, उस गलती को रिपीट मत करें। लेकिन हम सब करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अनुभव है। भोजन किए और भोजन करने के बाद अफसोस हुआ, नहीं यार ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा खा लिए, ठीक नहीं लगा, पछताए और क्या निर्णय लिए मन में, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा। चार छह महीना बीते, क्या हुआ, वो गलती दोहराए नहीं दोहराए। अच्छा मैं ही नहीं, शायद और लोग भी किए होंगे, और लोग भी किए होंगे, और माताएं तो हर तीजा में दोहराती होंगी, अरे भाई गड़बड़ हो गया, ज्यादा नहीं खाना चाहिए था, हुआ ना ये दोहराना। इसी प्रकार से क्रोध किसी ने किया, क्रोध करने के बाद बाद में लगा नहीं इतना झल्लाने की जरूरत नहीं थी, इतना उलझने की जरूरत नहीं थी, प्रेम से भी कहा जा सकता था, ऐसा नहीं करना है। समय बीता और फिर वही गलती की, फिर वही गलती की। हम अपने भूल से सीखते ही नहीं है, हम अपनी गलतियों से सबक लेते ही नहीं है। सबक लेना शुरू कर दे, जीवन हर बार सबक सिखाता है। मैं ये कह रहा था कि जब जब आप प्रसन्न रहते हैं, जब जब आपके मन में खुशियों की लहर दौड़ती है, आप मानसिक नियमों के अनुकूल चल रहे हैं, और जब अशांत हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, संघर्ष भरा है, संकेत क्या कर रहा है, आप जीवन को झांको और ठीक करो, कहीं है मिसिंग लिंक, कहीं गड़बड़ है, आप उसे ठीक करो, कुछ है। जैसे आपका मोबाइल गर्म हो गया, आपकी गाड़ी गर्म हो गई, क्या मतलब है इसका, कुछ तो हो रहा है ना, शॉर्ट सर्किट कुछ तो कहीं पर है। आप उसको जो गर्म होने का इंडिकेट कर रहा है, ताप टेम्परेचर बता रहा है, तो आप टेम्परेचर जो बता रहा है उसे आप पर उसको लेकर के आप परेशान ना हो। आपको क्या करना है, इसके माध्यम से अब आपको ठीक करना है, ठीक करना है। इसी प्रकार से जैसे परिवार, परिवार में अच्छे हैं सब लोग, लेकिन कभी कभी परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो गया है, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, चाहे भाई भाई के बीच हो, या परिवार में कुछ तनावपूर्ण है, संकेत आ रहा है ना? अब क्या करना है, अब परिवार में मीटिंग की जरूरत है, पारिवारिक बैठक की जरूरत है, और आप घर के सभी सदस्य बैठ करके इसको सुलझाने का काम करें। आप सोचेंगे समय आएगा हो जाएगा, भगवान जैसा चाहेंगे हो जाएगा, भाग्य में होगा हो जाएगा, कोई आएगा जो कर देगा, क्यों कर देगा भाई, आपका परिवार है, आपका जीवन है, आपके रिश्ते हैं, आप ही ठीक करेंगे ना, कौन आएगा ठीक करने के लिए, और आप न्यूट्रल बने हुए हैं, निश्चिंत बने हुए हैं, क्यों, कई बार ये गलती करते रहते हैं, जब ये बातें आती हैं तो हम बड़े निश्चिंत बने रहते हैं, और दुख को हम झेलते चले जाते हैं, दुख आता है बस, क्यों भाई दुख आया है, पूछो क्यों। अपने आप से अकेले में कभी प्रश्न किया करें, मैं मेरे भीतर से क्रोध क्यों आ जाता है, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं डिप्रेस क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ, क्या हो गया है, क्या इसमें मुक्त हो सकता हूँ। देखिए दुख का होना असंभव नहीं है, मैं बताता हूँ, क्योंकि दुख के अवसर आते हैं जीवन में, परेशानियां आती हैं जीवन में, ये कोई मुश्किल नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे ही, जीवन है तो स्थिति बनेगी ही, लेकिन समस्या क्या है, आप केवल वहां प्रसुप्त बने रहते हैं, आप उससे मुक्त भी हो सकते हैं। यदि आप दुखी होते हैं तो आप दुख से अपने आप को अलग भी कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके पास में ये शक्ति है, आपके पास में संभावना है कि आप उससे अपने आप को अलग कर सकते हैं, बस आपको पहल करना है, लेकिन इसके लिए पहल करना है, तो जीवन के नियम को समझना है। मैं ये कह रहा था, वो हर आदमी के मन में एक भाव तो होता है,
मैं सुख और शांति का जीवन जीऊं, सबके मन में होता है। परिवार में जिन लोगों के बीच रहते हैं, परस्पर में प्रेम हो, मधुर संबंध हो, सबके भीतर ये भाव जगता है। सबके भीतर में क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, ना आपको परिवार बदलना है, ना आपको गांव छोड़ना है, कुछ नहीं। बड़े सहज तरीका से आप और हम सबको क्या करना है? अपने पर काम करना है। बस खुद पर काम करना शुरू कर दीजिए आप, खुद पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए आप। और वो क्या है? खुद पर काम करने का मतलब है अपने को, अपने जीवन के पूरे सिस्टम को ठीक करना, पूरा स्ट्रक्चर को बदलना। देखो, मैंने कल कहा था, जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं। बाहर का परिणाम तब बदलता है जब आप भीतर से परिणाम को बदलते हैं। और मैंने कल एक वाक्य कहा था, दृश्य में परिवर्तन तब होगा जब अदृश्य में परिवर्तन हो। जो दिखाई दे रहा है वो तब बदलेगा जब आप नहीं दिखाई दे रहा है उसे बदलने लग जाएं, भीतर को बदलने लग जाएं, तब वो बदलता है। तो आप जब अपने पर काम करते हैं, अर्थात पूरे जीवन को आप ठीक करने लग जाते हैं, तो फिर जीवन परिवर्तित होने लग जाता है। कहाँ अपने लिए कितने लोग समय निकाल पाते हैं, आप ही खुद देखिए। सुबह से शाम तक के अपने दैनिक रूटीन को देखिए। जैसे मैंने अभी कहा, सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप तो होने वाला नहीं है, अपने आप तो होने वाला नहीं है। अच्छा, अपने आप भी होता, लेकिन हमने तो उसे बिगाड़ने का ही काम किया है। सच तो यह है, हमने कुछ ऐसा किया है जिससे हमें दुख मिले, जिससे हमें अशांति मिले। हमने काम ही वैसा किया है, तो क्या होगा? अच्छा, कभी कभी सत्संग में मैंने ये कहा है, शायद आज मैं दोहराऊं उस चीज को, फिर से कहना चाहता हूं, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ये अद्भुत हो गई ना बात। आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है? जिसके आप योग्य होते हैं। उदाहरण क्या देता हूं और आज भी क्या दे रहा हूं, जैसे एक विद्यार्थी, कल्पना करिए, एक विद्यार्थी क्या चाहता है? मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, अर्थात मेरा टॉप टेन मेरिट में नंबर लगे, ऐसा वो चाहता है। तो क्या इस प्रकार चाहने से वो मेरिट में चला जाएगा? नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब उसकी योग्यता होगी। जब उसकी योग्यता होगी मेरिट में आने की, तब वो मेरिट में आ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, वो क्या करेगा? अपनी योग्यता को बढ़ाएगा, उसी के अनुसार वो पढ़ाई करेगा, उसी के अनुसार मेहनत करेगा, और निश्चित रूप से वो मेरिट में आ सकता है। लेकिन केवल चाहेगा नहीं आ सकता है, उस योग्य बनना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई एक विद्यार्थी पढ़ लिख करके पूरा डिग्री ले लिया, सब कुछ पढ़ाई पूरी हो गई, और क्या चाहता है? मैं कलेक्टर हो जाऊं। कलेक्टर होने की इच्छा मात्र से कोई कलेक्टर हो नहीं जाता है। कब होता है? कलेक्टर की योग्यता आप में आएगी, तब कलेक्टर हो जाएंगे। ऐसे ही मैं ये चाहूं, मैं सुख शांति का जीवन जीऊं, इससे नहीं होगा। आप जरा पूछे, क्या मैं सुख शांति के अनुभव करने की योग्यता रखता हूं? क्या मैंने अपने जीवन को इस ढंग से निर्मित किया है जिस जीवन में शांति का अनुभव हो? क्या किया है बताएं? आप खुद ही पूछ लीजिए। देखो, किसी को पूछने के लिए आए या अपेक्षा मत करिए। मैंने कहा ना, आपको ही अपने जीवन को खंगालना है, क्योंकि अनुभव तो आपको ही करना है ना जीवन में। अच्छा, दुख का अनुभव कर रहे हैं आप, कर रहे हैं, सुख का अनुभव करेंगे आप, करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे आप, करेंगे, बीमारी का अनुभव करेंगे आप, करेंगे, स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे आप, करेंगे, आपस में संघर्ष का अनुभव करेंगे आप, करेंगे, आपस में मधुरता का अनुभव करेंगे आप, करेंगे, सब कुछ तो आपको करना है।
सब कुछ आपको करना है। अच्छा क्यों आते हैं? सुख दुख हानि लाभ कैसे आते हैं? ऐसा थोड़ी कि कोई बाहर से फेंक रहा है, जैसे बारिश हो रही है वैसे हमारे जीवन में सुख दुख कोई डाल रहा है, धूप आती वैसे कोई सुख दुख दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस संबंध में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इतना सच है इसको समझने के लिए वो मेरे ही अपने कर्मों के परिणाम है, बस मेरे ही एक्शन है, उस इसी एक्शन का रिएक्शन मुझे मिल रहा है, जो मैंने किया वो मुझे मिला। अब क्या करना है? अब मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं कि मुझे वह मिले जो मैं चाहूं। फिर से कह रहा हूं, अब मैं वह करूं कि जिससे मुझे वह मिले जिससे जो मैं चाहता हूं। मतलब आप वह बीज बोएं जिसकी आप फसल चाहते हैं। सरल भाषा में आप वह बीज बोएं जिसकी आप फसल चाहते हैं। बस आप यदि चाहते हैं मुझे आम का फल मिले तो किसका बीज बोना होगा? आम का। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आप ये चाहते हैं कि मुझे सुख और शांति का अनुभव हो तो क्या करना पड़ेगा? सुख और शांति के बीज बोने पड़ेंगे। बीज का मतलब आपका विचार बीज है, आपका विचार बीज है और आपका कर्म आप इसके परिणाम है। आपके जो रिजल्ट आता है ना जीवन में, यही इसके वृक्ष है। बीज वृक्ष, बीज जैसा होगा वृक्ष वैसा होगा। विचार आपका कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, करते कैसे हैं, क्या हमने कभी ध्यान दिया है? मैं कैसे सोचता हूँ और जो सोचता हूँ वो क्यों सोचता हूँ? इस प्रकार के क्या इससे भी बेहतर सोचा जा सकता है? इससे अच्छा सोचा जा सकता है? वो क्या तरीका है? खोज लो, खोज लो इस तरीके को। वो जहां बदलेगा आगे भी बदलाव आएगा। फिर इसलिए बहुत जरूरी है जीवन के बारे में ये समझे कि जीवन मेरा इतना बढ़िया मिला हुआ है, इसे मैं बदल सकता हूँ। और मैंने कहा था ना अभी, जीवन को बदलने के लिए आपको बाहर से बदलना नहीं, कल इसी प्रश्न को कहा भी था कि बाहरी परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको मना स्थिति को बदलने की जरूरत है। मना स्थिति को बदलने की जरूरत है और आपको खुद को ठीक करना होगा। आपको अपने मन में अच्छे विचारों का प्रवाह, और इसके लिए आपको अभ्यास, ध्यान दीजिए अभ्यास, बिना अभ्यास के काम नहीं चलने वाला है। आप अकेले में बैठें और ये देखें मेरे मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। यदि वो अच्छे नहीं है तो उसे हटाएं। किसको लाएं? अच्छे को स्थापित करें। ये आपका काम है, कोई आकर के करने वाला नहीं है। इस काम को आपको करना है, आपको। और ये जब काम करने लगेंगे तो वही से बदलाव शुरू होगा। मैंने क्या कहा था? पूरे जीवन के स्ट्रक्चर को बदलते हैं, पूरे सिस्टम को बदलते हैं तो फिर जीवन के परिणाम बदलते हैं। जैसे मैंने अभी सूत्र कहा, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं सुख और शांति के योग्य अपने आप को बना लूं तो मुझे सुख शांति अनुभव होंगे। मैं इसका थोड़ा उल्टा कह रहा हूं और जो कठोर है, बहुत कठोर है। क्या है वो? यदि मैं अभी दुख का अनुभव कर रहा हूं, अशांति का अनुभव कर रहा हूं, बीमारी का अनुभव कर रहा हूं, लड़ाई झगड़े का अनुभव कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं उसके योग्य हूं। कठोर है ना, कोई मानेगा? मैं उसके योग्य हूं। यदि मैं बीमारी का अनुभव कर रहा हूं तो मुझे क्या कहना है अपने आप को? मैं बीमारी के योग्य हूं, इस भोग के योग्य हूं। क्यों? क्योंकि मैंने गलती की है अपने जीवन में, चाहे खान पान में हो, चाहे लाइफ स्टाइल में, कुछ तो है जिसका परिणाम मुझे मिल रहा है। और कल ये बात मैंने कही थी, आप एक काम कर सकते हैं, दूसरों को दोष देना बंद कर सकते हैं। पहला काम, बुरा मत देखो। इसलिए कहते हैं कबीर साहब जी, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मुलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुस्सा बुरा न कोई। क्यों कहें? इसीलिए कहें,
दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्तन आवई जाका आदिन अंत। अपने चित्त को देखो, वहां है गड़बड़। अपने लिए देखो, मैं बीमार हूं, कोई दूसरा दोषी नहीं है, मेरा ढंग है। यदि मैं उस ढंग को फिर से ठीक करूं, तो मैं फिर से स्वस्थ हो सकता हूं। आप परिवार में रिश्तों में देखें, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई भाई हो, रिश्तों में कहीं खटास है, कोई दूसरा आया है, आप और आप ठीक करें। अच्छा, ये भी प्रतीक्षा ना करें पत्नी शुरुआत करे ठीक करने का, आप कर लीजिए, या फिर पति शुरू करे, क्यों आप शुरू कर दीजिए, आप प्रस्ताव रखिए, आप आगे बढ़ के काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन हम प्रतीक्षा करते हैं, वो करेंगे पहल, वो करेंगे पहल, क्यों भाई? आप जिम्मेदार हैं, आपको रिश्ते निभाने हैं, आपको मधुर बनाना है, तो कदम आप उठाइए। इसमें लाज शर्म की क्या बात है, छोटे बड़े होने की क्या बात है? आप ऐसा नहीं है कि आप पहल करेंगे, पत्नी से बात करेंगे, उनसे मधुरता से पेश आएंगे, तो आप छोटे हो जाएंगे। ये गलत ही है सोचना, न छोटा है न बड़ा है, प्रेम कैसा है, मधुरता कैसी है। गुरुदेव जी कहा करते थे, मनुष्यों में बड़ा चक्कर है, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, जाति पाति का। वहां देखो ना, एक पक्षी है, पेड़ से उतरते हैं और नीचे बहुत सारे पक्षी एक साथ बैठ करके चारा चुगते हैं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, सब बराबर है। लगता है छोटा बड़ा नहीं, न अमुक जाति के, न अमुक जाति के, सब बराबर। हम लोग भी बड़ा चक्कर है, मैं बड़ा, वो छोटा, वो छोटे, मैं बड़ा, क्या है कि बड़े छोटे, पत्नी छोटी, पति बड़े, क्यों बड़े भाई? दोनों बराबर। आपको क्या करना है? काम शुरू करो। पिता पुत्र में पिता श्रेष्ठ है, माना कि श्रेष्ठ है, पुत्र भी श्रेष्ठ है। यदि गलती आपकी हो गई है, तो पुत्र से ही क्षमा मांग लो, छोटे नहीं हो जाएंगे। रिश्ते में इतने जल्दी फ्लो आता है, इतने जल्दी फ्लो। देखिए, ऊपर से जब होता है ना काम, आप जानते ना, ऊपर से ही बारिश, बारिश कहाँ से ऊपर से आता है ना, पानी ऊपर से ही आता है। आप पहल करते, बड़े जब पहल करते हैं, तो छोटों को पिघलने में देरी नहीं लगती, नहीं लगती है, बहुत जल्दी पिघलाहट होती है। यदि पिता कहीं बातचीत प्रारंभ कर दिया पुत्र के लिए, पुत्र पिघल जाएगा। लेकिन पिता अकड़ सकता है। इसी प्रकार से पति पहल कर रहा है, इसी प्रकार से सास पहल कर रही है, इसी प्रकार से बड़े गुरु भाई या फिर गुरु शिष्य पहल कर रहा हो, कुछ कर रहे हो, ये बहुत अंतर पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब ये काम करते हैं, तो ये देखें, मैं यदि बीमार हूं तो मैं इस योग्य हूं, मैं अशांत हूं इस योग्य हूं, मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं इस योग्य हूं, तो क्या करना है? इसमें बदलाव करना है। जब ये स्वीकार करते हैं, देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, छिपाओ मत। जैसे मेरे हाथ में फोड़ा हो गया है, घाव हो गया है, और उस घाव को मैं जितना छिपाऊंगा, क्या कर रहा हूं, कोई मत देखे, अब बढ़िया एकदम सुंदर मलमल कपड़ा से मैं ढक रहा हूं, क्या होगा? घाव को बढ़ा रहा हूं ना, मुझे क्या करना है, इसे बताऊं, इसको ठीक करो। हम लोग तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो भी नहीं बताते हैं सच। एक आदमी था, उसका दाहिने हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, दाहिने हाथ में प्लास्टर बंधा था, तो उसके मित्र ने कहा, ओ क्या हो गया? अरे हड्डी टूट गई थी। अच्छा, तो हड्डी को जब मतलब उसको खींच खाच कर जब ठीक किए होंगे, तब तो बहुत दर्द हुआ होगा, जब कोई वैद्य या डॉक्टर ने ऐसा किया होगा, बहुत दर्द हुआ होगा। नहीं 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 दर्द हुआ। अच्छा, तो कैसे नहीं हुआ? अच्छा ऐसा ना, हड्डी तो टूटी बाएं हाथ की, मैंने डॉक्टर को दाहिने हाथ दिखा दिया। बताओ ये क्या हो रहा है? होगा काम समाधान? नहीं, आप प्रकट करें, स्वीकार करें, मैं दुख महसूस कर रहा हूं, मेरा मन अशांत है, लेकिन एक शर्त है, इस पर मुझे काम करना है। क्यों? कैसे विचार आ रहे हैं, किसके नाते अशांति हो रही है, ऐसे कुछ विचार चल रहे हैं जो आपको अशांति का अनुभव करा रहा है, कुछ तो है वही मन में आ रहे हैं विचार जो आप नहीं चाहते कि आए, तभी तो आप परेशान हैं। आपके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे, आप खुश रहते हैं, खुश रहते हैं।
लेकिन जब ऐसे विचार आते हैं जिसको आप चाहते कि मत आए मत आए, आप उसको हटाने का प्रयास करते और इसी हटाने में तनाव होता है। आप चाहते कि ना आए और वो आता है, अब क्या होता है उसको आप ढकेलते हैं आता है, इसमें क्या होता है तनाव होता है तनाव, और इसी तनाव में आपको लगता है क्या बताएं आज तो सिर में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, कुछ तो है हेडेक है मामला, उसको ठीक करो, उसको खोजो, कैसे विचार पूछो अपने आप से, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अच्छा किसके बारे में ज्यादा सोच रहा है मन, किसके बारे में ज्यादा सोच रहा है, उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, बस उसे डिस्ट्रैक्ट करना, उस पर काम करना शुरू कर देना है। और जैसे उस पर आप काम करने लगते हैं आप देखेंगे वो टेम्परेचर वो इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, उसकी तीव्रता कम होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। लेकिन तब होगा ये काम जब आप अकेले में मेहनत करें, अकेले में मेहनत करें तो जीवन को समझना, मेरा जीवन मेरा ही निर्मित किया हुआ है, मैं ही इसको बनाया हूँ, सुख दुख का जो भी अनुभव हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, यदि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ तो मैं इसको बदल सकता हूँ, मैं इसे परिवर्तित कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, और इसमें मुझे काम करना होगा। मैं आज तो समय पूरा हो गया, कल ये बताना चाहूंगा कि इस पर काम कैसे करें आप, आगे अब बात क्या करूंगा, कल का क्या करने वाला हूं, अब सचमुच इसमें कैसे हम चीनी हथौड़ी लेकर के उसको गढ़े, अब भीतर काम कैसे करें, अंदर है ना, बाहर तो बहुत कर चुके, अब अंदर कैसे काम करना है, खुद पर, खुद पर ले लो चीनी हथौड़ी और उसको मैं अंदर को बताऊंगा ऐसे ऐसे करना है लेकर के, आपके पास में हथौड़ी है, आपके पास में छीनी है, बस आपको गढ़ने की कला सीखनी है, बस एक ही काम करना है। तो इस पर चर्चा कब करेंगे, कल, ठीक है साहब, बंदगी। बोलिए सतगुरु देव की जय, संत समाज की जय। सतगुरु श्री अभिलाष साहब जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का यह तीसरा दिन समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन श्रवण करें, भजन रखने के लिए हम लोग के बीच उपस्थित है मंदाकिनी साहब, मंदाकिनी वेदिता साहब, आपसे निवेदन है कि आप एक भजन रख रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अहो भाग्य मेरे जो गुरु दर्श पाए, सकल सद्गुणों से हृदय को जुड़ाए। अहो भाग्य मेरे जो गुरु दर्श पाए, सकल सद्गुणों से हृदय को जुड़ाए। भटकता था मैं दिन होकर जहां में, विषय है तो क्या क्या नहीं दुख उठा। भटकता था मैं दिन होकर जहां में, विषय है तो क्या क्या नहीं दुख उठाए। अहो भाग्य मेरे जो गुरु दर्श पाए, सकल सद्गुणों से हृदय को
अहो भाग मेरे जो गुरु दर्श पाए सकल सद्गुणों से हृदय को जुड़ाए किया श्रम भारी में बना खुद अलारी शाह दुखी अने को नहीं भेद पाए किया श्रम भारी में बना खुद अलारी शाह दुखी अने को नहीं भेद पाए अहो भाग मेरे जो गुरु दर्श पाए शकल सद्गुणों से हृदय को जुड़ाए जगी आज कुछ पुण्य संचित हमारे जो सत्संग से सत्संग से आप को जान पाए अहो भाग मेरे जो गुरु दर्श पाए शकल सद्गुणों से हृदय को जुड़ाए शकल सद्गुणों से सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग का जो कार्यक्रम बरसात में जो होता है जब से आश्रम का निर्माण हुआ तब से शुरू है बरसात में, लेकिन सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी का निर्माण हुआ है भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को, तो उसी के अनुसार से अब सत्संग चल रहा है सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी के स्मृति में। यह कार्यक्रम का तीसरा दिन पूरा हुआ और तीन दिन अभी बाकी है। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आकर के सत्संग और सेवा से लाभ होंगे। आज संत और अतिथि जो आए हैं उनका भोजन भंडारा श्री अजबी राम जी चोरभट्टी के द्वारा हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सब यहाँ से प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता तेहि धूप दीप ले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणो हार गल महादीजिए कर जोर गुरु तरण तारण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहेब दीन जीवन बाल हो आप पारख रूप साहेब
जानते सब माह की मैं अधम करनी जीव सदगुरु नाही हो कछु लायकी गुरु करत हो मैं बीनती प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की अदम उदारण भव भयारण जीवन करत सनाथ की जगत स्वामी अजीत साहे पारख गुण को गहि सके दया क्षमा दि होय जिन में आपको सो लहि सके मोह में सदगुण नाही साहे लहू मैं कैसे आपको बार बार। आप सब आए और प्रसाद लेकर के प्रसाद लेते जाए और बंदई कर दे जाए।